सुन लो भाई सुन लो, आज का टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट। टॉपिक नंबर 4 टॉपिक नहीं है, टोनी का एक प्रकार है। क्या है टोनी? अब टॉपिक नंबर 4 जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे लिखवाया जाएगा, लिखते रहना, समझ में अच्छे तरीके से। हाँ, टॉपिक नंबर 4 का नाम है बेटे धवन चोड़ा। धवन सोड़ा, इंग्लिश में नाम है वॉशिंग सोड़ा। वॉशिंग सोडा, और जब भी मैं इसे पढ़ाता हूँ ना तो मुझे एक एडवर्टाइज जरूर याद आ। वॉशिंग सोडा का मतलब धोने वाला सोडा, धावन सोडा, नाम ही धावन सोडा, समझे नहीं क्या? धोने वाला सोडा, सरप एक प्रकार का घटी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ऐसा समझ। सर्फ एक्सल वो मेरे याद नहीं है। घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो धावन सोडे के बारे में पढ़ेंगे आज हम कि धावन सोडा इसका क्या क्या नाम होगा। तो हम यहाँ जब भी मैंने बताया था, जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हो, सबसे पहले ना उसका अणुसूत्र पढ़ते हैं, समझ में आए बात। इससे जितने ही प्रकार के सवाल बन सकते होंगे ना, साथ साथ डिस्कस करने वाले होंगे हम, सब सारे सवाल एक साथ डिस्कस करेंगे। देखो पहले नंबर पर हम यही पढ़ेंगे, उस दिन जब हम पढ़ रहे थे बताया था कि बेटे सबसे पहले हम धवन चोड़े का अणुसूत्र पढ़ रहे होंगे, तो इसका अणुसूत्र होगा अणुसूत्र। अणुसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं मोलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन बोला? मोलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, इसका जो अणुसूत्र हो बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। Na2CO3 × 10H2O, ये इसका अणुसूत्र हो। टीचर तुमसे पूछ सकता क्लास में, बताओ बेटे कि धावन चोड़े का अणुसूत्र क्या होगा, तो चिल्ला चिल्ला के बताओगे Na2CO3 × 10H2O। कुछ लोग यू भी कहेंगे कि Na2CO3 होगा, तो गलत नहीं है लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है, ऐसे समझ में। इस जल के इसमें 10 अणु होंगे, कितने अणु होंगे तो बताओ, बता दोगे कि धावन चोड़े का सूत्र क्या होगा? धावन चोड़े का सूत्र हो Na2CO3 × 10H2O। धावन चोड़े का अणुसूत्र, कोई प्रॉब्लम यहां तक? किसी छात्र को प्रॉब्लम? रुक जाओ, मत लिखो अभी, जब तक नहीं बताया गया अभी। दूसरा पॉइंट बताया था बेटे, जब हम उसका अणुसूत्र लिख लेते हैं, अणुसूत्र लिखने के बाद हम उसका लिखते हैं रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। देखो रासायनिक नाम कैसे लिखते हैं, रासायनिक नाम इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल, केमिकल लोचा नहीं, केमिकल नेम, केमिकल नेम, नेम चंद नहीं, नेम। उसके बाद इसका नाम देखो, Na2CO3 का नाम होगा, इसका नाम होगा सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, बस ऐसे लगता। तो सोडियम कार्बोनेट, Na2 का नाम सोडियम होगा, CO3 का नाम कार्बोनेट होगा, 10 का नाम होगा डेका, डेका नहीं डेका, H2O का नाम हाइड्रेट, डेट्री हाइड्रेट, हाइड्रेट। इतना बताओ, समझ में नहीं आया? अरे भाई साहब, इसका ना एक साधारण नाम भी हो, साधारण, आज इसे भी डाल लो अपनी स्ट्रेटर्जी में, साधारण साधारण नाम, और साधारण नाम वही हो उसका, डिटर्जेंट, 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 या दूसरी भाषा में यूं कह रहे थे धावन चोड़ा, सर अपनी बोलने में कोई भी धावन चोड़ा, ये नाम इसके। चौथे नंबर पर देख लो भाई, फालतू में हिंदी बिंदी सख्त नंबर था मुझे, डिटर्जेंट लिख दिया अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है अंदर, अपने आप लिख धावन सोडा इसका साधारण नाम, इतनी बात याद रखना। और जो तीसरे चौथे नंबर पर हम पढ़ने वाले, अब सवाल से बनाया कैसे जाएगा, और सबसे मेन चीज़ है इसे बनाना, जो बच्चा से बना, तीन अभिक्रिया मौजूद है बनाने बनने में, इतनी जल्दी इतने बनने गए हो, यू Na2CO3 × 10H2O, तीन अभिक्रिया पढ़ने वाले होंगे तो मेरे साथ, वे तीनों की तीनों अभिक्रिया जिसके याद होगी वो धावन सोडा बना ले जाएगा, नहीं तो हवा नहीं आएगी उसको, ऐसे वजह। चलिए चलते हैं, तो हम अब क्या पढ़ने वाले, बनाने की विधि, बनाने की विधि। कैसे बनाएंगे देखो, पहले नंबर पर तीन अभिक्रिया, मैंने कहा तीन चरणों बनने वाला है, ठीक, ऐसे नहीं बनाने वाला है, तीन अभिक्रिया करने के पश्चात बनेगा। अगर तो तीन अभिक्रिया तुम्हारी समझ में आ गई तो ही बनता दिखाई देगा, नहीं तो हवा नहीं आएगी। चलो पहले नंबर पर देख लो, इसका नाम बताना, बताओ क्या हो, NaCl, नमक, नमक का सूत्र हो, यस नो? इसका नाम बताना क्या हो, NH3 का, तोलिया, अमोनिया। उसके बाद H2 का नाम बताओ,
मम मम जल जल उसके बाद इसमें इसमें मिला देंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो तुम्हारे मुंह में से निकलने वाली गैस है। नमक मिलाया अमोनिया होगी, जल होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मिला दिया सब। मिलाने के बाद बन जाएगा सोडियम थायोकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा कहते हैं। मनता नहीं हो जो खाने का सोडा जो बना है ना, और साइड में निकल जाएगा नोसादर NH4Cl। ये भी क्रिया कल भी पढ़ाई थी, कल वाली क्लास में मैंने कहा ये भी क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसे याद करो। बार बार प्रैक्टिस करने का सारा खेल होगा, जिस बच्चे की प्रैक्टिस बढ़िया होगी वो आराम से खेल ले जाएगा, समझा ये बात। जिसकी प्रैक्टिस कम होगी वो आराम से झेल ले जाएगा, ठीक है। नंबर होगू दूसरे नंबर बजाओ, इतना बताओ समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत? भौतिक गुण आता वहाँ पेपर में उतारने का नहीं, पहले कर्म वाइज भौतिक गुण लिखिए, समझ आई बात। ऐसे नहीं आने का धवन चोड्डे के टॉपिक को पूरा उतार दीजिए, समझ में आया? ठीक, जैसे बताया जाएगा ऐसे ही आगा पेपर में। पेपर में सवाल आगा कि धवन चोड़ा कैसे बनाया जाता है, तो धवन चोड़ा तीन अभिक्रियाओं में बनाए जाए, तीन अभिक्रिया दिमाग में होनी चाहिए, एक एक करके लिखवाई जाएंगी यहाँ हिंदी भी, समझ में आया बात। या अभी यहाँ तो हमारा खाने का सोडा बन चुका है, इसे सोडियम थायोकार्बोनेट भी कहते हैं, ये सोडियम थायोकार्बोनेट या इसे हम दूसरी भाषा में बेकिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग पाउडर। बेटे खाने का सोडा वही हो जब पेट के अंदर दर्द हो जाता है ना रात को 12 बजे जब तुम्हारे तो तुम्हारे पेट का हालत खराब हो जाती है तो तुम्हारी माता लेकर आती है, वही हो बेकिंग पाउडर। और ये जो भोजन है, जो भोजन शादी में मनाया जा, इतना सा भोजन खाकर थक जाते हो तुम, भोजन को स्वादिष्ट बनाने का कार्य आता है, ऐसा बचपन तुरंत फारा कर देता पेट में, उसके बाद कोई खाता ही नहीं, भोजन कम खाते हैं लोग शादी ब्याह। क्या कह रहे वही कहने की बात, वही कहने की बात है, समझ लो। ये क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। अभी से हम गर्म करने वाले होंगे, चलो उसे गर्म करते हैं बेकिंग पाउडर को। Na2CO नहीं नहीं NaHCO3 इसको कर दिया हीट, गर्म कर दिया। जैसे जैसे गर्म करोगे इसके अंदर से निकल दो लिख दो यहाँ से Na2CO3 प्लस प्लस H2O प्लस H2O प्लस CO2 प्लस CO2 ये गैस से वैसे बाहर निकल जाएगी। चाहे तुम कैलकुलेट करके देख लो, Na दो बार CO3 है, योरा CO3 H CO3 है CO3 यहाँ देखो दो बार नहीं है तो CO3 यहाँ, एक तो यहाँ होगा CO3 एक यहाँ CO2 यहाँ सी और एक योरा CO3 बैठा हुआ, आया समझ में। ये H दो बार बेटे देख लो यहाँ H दो बार, आया समझ में। वो सारी काउंटिंग हो रही, तीन दूनी छः हो, ओ तीन दो तीन ओ यहाँ सी और तीन ओ ये रे छः हो जाएंगे, पूरी की पूरी समीकरण संतुलित हो रही। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो कोई भी समीकरण होगी ना वो संतुलित होनी जरूरी होगी, ये सुन लो। कितने भी क्रिया होगी? दो ही तो होगी, तीसरी भी क्रिया देखो अब तक ये बनाएगा, ये तो नहीं बनाना अब तक, जब तक यू नहीं बनेगा ना तब तक तुम्हारे अंदर का दर्द नहीं मिटना चाहिए बिल्कुल भी, आया समझ। अभी सर पता क्या करोगे तीसरे नंबर की समीकरण में, तीसरे नंबर की समीकरण में कैसे बनाओगे सर? जो हमारे यहाँ ये बनाया हो Na2CO3 यहाँ तो बना, पहले यो बना इसे गर्म करा तो यो बना, और ये जो बना ना Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट गर्म नहीं करने के सर, इसके अभिक्रिया जल के दशमों के साथ कर देंगे, जैसे कर दोगे तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट यानी धवन सोडा बनता दिखाई देगा। Na2CO3 के साथ मिला देंगे Na2H2O जल के दशमों के साथ अभी क्या कर देंगे तो बनता दिखाई देगा Na2CO3 Na2H2O। इसे ही बोलते धावन सोडा। बताओ कोई बोलते यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ नीचे से दिखाई दे रहा है क्या? तू अभी वैसा है, लोग ये जैसा कहते, बाल बदलती रहती है और शख्स बदलते रहते। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब लिखोगे क्या इसमें? इसमें लिखोगे क्या देख लो, छोरी में बोलो बता रहा हूँ, समझना ही बात है। इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, तीनों भी गिराए बोलो बता रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद में यूट्यूब पे भेज दूंगा सर, आराम से ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से देख देख कर लिख लेना। अभी मैं जो बोल बता रहा हूँ उसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, उसे समझ लो अच्छी तरह। पहले नंबर पर क्या लिखोगे सुन लो ध्यान लाएगा, जब सोडियम क्लोराइड में अमोनिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है तो बेकिंग पाउडर बनता है, तुरंत समीकरण तार दोगे यस और नो? यस। ऐसा कर दो, ऐसा 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 कर दो, इतना लिख दोगे? एक बार दोबारा भी बोल बताता हूँ, उसके बाद तुरंत समीकरण लिखोगे? पहले एक थ्योरी लिखनी पड़ेगी, जहाँ थ्योरी नहीं वहां थ्योरी नहीं, थ्योरी थ्योरी नहीं वहां थ्योरी नहीं। जब सोडियम क्लोराइड में
अमोनिया जल कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है तो बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा या सोडियम थायो कार्बोनेट मारो कार्बोनेट नहीं थायो कार्बोनेट बनता है। लिख ले जाओगे उसके पश्चात लिखोगे धड़ाक समीकरण दे दोगे समीकरण उसके बाद फिर सुंदर सुंदर अरे मत बोल फालतू उसके बाद लिखोगे हाँ सोडियम ऐसा दूसरे पॉइंट में लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म उसके लिखा उसके पश्चात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जूम बाहर निकल जाती है। यस और नो? यस। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना लिखने के पश्चात ऐसे लिखे उसके पश्चात सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु मिलाने पर धावन सोडा बनता है। यस और नो? यस। उसके बाद ये तिरुण समी यहाँ दो लाइन लिखी ये बनता है उसके बाद अगर उसके पश्चात ये बनता है ये बाहर निकल जाती है उसके पश्चात इसमें से मिलाते हैं ये वाला बन जाता है धड़ 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 धड़। एक बार दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ समझ में ये बात यार फिर आराम से यूट्यूब से देख देख कर आराम से लिख लेना। लिख लोगे कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? थोड़ी देर बाद ही भेज दूंगा मैं शाम तक भेज दूंगा 8 बजे तक ठीक। एक बार रिपीट करा रहा हूँ कि यहाँ क्या लिखना होगा पहले आईडी बनाओगे बनाने की विधि कोई बात नहीं यहाँ याद कर लो भाई समीकरण में लिखा हुआ सोडियम क्लोराइड जब सोडियम क्लोराइड में अमोनिया जल कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है तब बेकिंग पाउडर बनता है धड़ाक समीकरण। यस और नो? यस। दूसरे नंबर पर क्या लिखोगे उसके पश्चात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जूम बाहर निकल जाती है। यस और नो? यस। तीसरे नंबर उसके पश्चात सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु मिलाने पर धावन सोडा बनता है। यस और नो? यस। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। उसके बाद आ जाओगे भौतिक गुण पर भौतिक गुण भौतिक तो भौतिक ही हो भौतिक गुण तो भौतिक गुण ही हो जिसे हम कहने लगे बताओ मेरे भौतिक गुण बताओ नंबर फर्स्ट मैं बहुत सुंदर हूँ आया समझ मुझे लगा मेरा वहम आया समझ कहने में क्या जा रहा अपनी बड़ाई करने में कुछ क्या जा रहा तो यही तो भौतिक गुण हो। दूसरा मैं बहुत इंटेलिजेंट भी हूँ चलो उसमें तो कोई दोहराई नहीं है वो तो हूँ ही समझ में आए बात है मुझे अपनी बड़ाई करना अच्छा लग रहा है खुद ही स्वयं तुम तो करते नहीं मैं खुद ही कर लूँ तो कितने भौतिक गुण होंगे? तीसरा भौतिक गुण बताओ। आप बहुत कॉमेडियन हो कॉमेडियन बहुत कॉमेडी करते हो आप कितने भौतिक गुण है? अच्छा शायरी है चौथे नंबर पर आप शायरी बहुत सुनाते हो अच्छा बजाते हो ऐसा मत बोल बिल्कुल अच्छा शायरी शायरी का तो मैं कैसी सुनानी दर्द भरी सुनानी वैसे फिर ही बता दो कैसे और कैसी सुनानी बाबा आदम के जमाने की मजाक वाली यार मैं भूल गया सारी भूल गया तो भौतिक गुण यही तो हो उसके बाद सुन लो ध्यान लगेगा शायरी मेरे याद नहीं आ रही यार कैसे सुनो तो भाई हाँ आज तन्हा हूँ तो क्या हुआ इस तन्हाई से यारी है आज तन्हा हूँ तन्हा कहते हैं अकेलेपन को इतना तो पता ही होगा तुम्हें तो आज तन्हा हूँ तो क्या हुआ इस तन्हाई से यारी है ये कुछ बातें हैं जो बेकार है तुम्हें बतानी जरूरी है आज तुझसे नहीं मिला मुलाकात खुद से हो गई है उसके बिन जी नहीं सकता आज ये गलत फहमी भी दूर हो गई है। चार चांद लगा दिया आज है बहुत ही गुड दिखने रहे मेरी आवाज ही मेरी पहचान है भौतिक गुण सुन लो भौतिक गुण अब भौतिक गुण क्या होगा फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लो क्या होगा भौतिक गुण का ये मतलब होगा बेटे कि जो धावन सोडा होगा इसका रंग कैसा होगा उसका यह सफेद रंग का पदार्थ होता है ऐसे लिखोगे यहाँ कोई अब ये बदतमीज लिखना ना कि मार्केट में काला सर्फ भी आया जी आया समझ में ठीक अरे आया होगा यार वो सब सारे मटेरियल उससे बने उसके बाद बने हुए समझ में आया बात तो यह सफेद रंग का पदार्थ होता है यह सफेद रंग का पदार्थ होता है। दूसरे नंबर पर लिखोगे यह जल में घुल जाता है मतलब विलय होता है लिख लोगे ना सर यह जल में विलय होता है कितने भौतिक गुण होंगे? अब तो तुमने सब चीजें पढ़ ली ये भी पढ़ लिया दो भौतिक गुण ही पढ़ लिए अब तो तुम्हें पढ़ ही लेना चाहिए कि उपयोग क्या हो उपयोग क्या बताया था तुम अच्छा रासायनिक गुण ही पढ़ोगे ठीक रासायनिक गुण पढ़ोगे चलो रासायनिक गुण भी तुम पढ़ाएंगे पक्का पढ़ाएंगे रासायनिक गुण भी तुम जरा एक बात बताओ जरा मेरी दूसरे नंबर पर रासायनिक गुण देख लो रासायनिक गुण
देखो रासायनिक गुण, रासायनिक गुण का मतलब क्या होगा, जो धवन चोट डाले हो इस वाले भी गिरा, देखो यहीं से रासायनिक गुण बन जाएगा। धवन चोट डाना, इसमें जल मिला देना, कार्बन डाइऑक्साइड मिला देना, तो लिखना है इसमें रासायनिक गुण में कि धवन चोटे की जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया, धवन चोटे की जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करने पर खाने का सोडा बनता है, धड़ा काम खत्म समाप्त। इसी समीकरण को लिखना, बस पलट कर लिखना, समझ गए? क्या लिखोगे इसमें? धवन चोटे में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर खाने का सोडा बनता है या बेकिंग पाउडर बनता है, यही इसका रासायनिक गुण होगा। इस समीकरण को यहीं कहीं पलट दो ठाक, ये सर नो Yes. कोई दिक्कत किसी छात्र के यहाँ तक? उसके बाद ये रासायनिक गुण होगा, उसके बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए? उपयोग। पांच हो गए थे, पांच के बाद छठा था, ठीक। उसके बाद सातवां, सातवां पॉइंट, और सातवां पॉइंट पर उपयोग तो मैंने तुम्हें बहुत बताया, धवन सोडे का देखो कहाँ कहाँ उपयोग होगा। नंबर फर्स्ट, इस तक खाने का सोडा भी बनाया जा, ठीक। दूसरे नंबर पर आया समझ, कपड़ों को, कपड़ों की साफ सफाई करने में इसका ही प्रयोग हो, कितने उपयोग हो गए? दो। तीसरे नंबर पर इसका उपयोग धवन सोडे का पता कहाँ होगा? पेट की जो ये थोड़ा पेट की मलता दूर करेगा, ये तो पेट, ये पेट साफ कर देगा, तुम्हारा भी पूरा साफ कर देगा। नहीं, इसे ऐसे कह सकते हैं जो इसका दो तो मैंने उपयोग बताई दिया तुम्हें, नंबर फर्स्ट बताया इसका उपयोग जो कपड़ों को साफ करने में होगा, दूसरे नंबर पर इसका उपयोग होगा खाने का सोडा बनाने में, और तीसरे नंबर पर जब इसका उपयोग होगा, तीसरे नंबर पर इसका उपयोग होगा, सुनने ध्यान लगेगा, तीसरे नंबर पर इसका उपयोग होगा बेटे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, बता रखा नहीं, और चौथे नंबर पर चिकित्सा क्षेत्र में औषधि के रूप में, कितने उपयोग हो गए? समझदार को इशारा काफी हो, तुम्हारे जैसे बच्चों को झुंझुना ही काफी हो। आज के एपिसोड में इतना लिखते हैं, दूसरे वाले एपिसोड में मिलते हैं, टॉपिक नंबर कौन से के साथ? पांच के साथ। देखते रहिए इंडियन सोनो क्लासेस।